पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो दौरा है श्रीलंका के लिए कैंप लगने जा रहा है, आखिर वो कैंप कब से लगने जा रहा है, कितने प्लेयर्स हिस्सा लेने जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान के जो सुपरस्टार्स हैं क्या बाबर आजम शाहीन अफरीदी उस कैंप का हिस्सा होंगे या नहीं, सारा सिनेरियो आपको समझाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर हैं और पहली बार आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं, सबसे पहले आपको बता दें तो ये 10 जून से 15 जून तक स्पिन बॉलर्स 13 स्पिनर्स प्रैक्टिस करेंगे नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर। आपको बता दें इब्रार अहमद और कई सारे स्पिनर्स जो हैं वो आपको प्रैक्टिस करते हुए नेशनल क्रिकेट एकेडमी में 10 जून से लेकर इनका कैंप लगेगा 15 जून तक। उसके बाद फास्ट बॉलर्स की जो है वो लिस्ट शुरू हो जाएगी 16 जून से 21 जून तक ये प्रैक्टिस करेंगे, जिसके अंदर कई सारे जो है वो फ्यूचर सुपरस्टार रखे गए, 14 फास्ट बॉलर यानी 13 फास्ट बॉलर रखे गए, इसके अलावा 14 बैट्समैन रखे गए हैं जो 22 जून से प्रैक्टिस का आगाज करेंगे, जो 26 जून तक ये प्रैक्टिस चलेगी नेशनल क्रिकेट एकेडमी में। 14 बैट्समैन इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। याद एक चीज़ का ये रहे कि शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इसके अलावा सरफराज अहमद कुछ मसरूफियत के बायस इस प्रैक्टिस सेशन का हिस्सा नहीं रहेंगे। इसके अलावा बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की बात की जाए तो वो हज के जो है वो मौके पर जो है वो हज की तैयारियों में लगे हुए हैं, तो फिलहाल वो भी इस कैंप का हिस्सा नहीं होंगे। जो जुलाई के अंदर सीरीज है, याद रहे कि ये उस सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो कैंप है वो अब लगने जा रहा है।